तीन चार महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने गुजरात के दौरे शुरू किए और सबसे हम मिले, किसानों से, मजदूरों से, आशा बहनों, आंगनवाड़ी महिलाएं, यूथ, टीचर्स, डॉक्टर्स, सबसे हम मिले और हमने गुजरात के लिए विजन निकाला। सैम पिट्रोडा को अमेरिका से बुलाया, मिस्त्री जी ने काम किया और बहुत रोबस्ट विजन हमने गुजरात के लिए बनाया। चुनाव में हमारी मेन आर्ग्यूमेंट कि पिछले 22 साल में नरेंद्र मोदी जी, रूपानी जी ने वन साइडेड डेवलपमेंट किया है, 5-10 लोगों को पूरा का पूरा फायदा मिला है और गुजरात की जो जनता है उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और यही जनता ने हमें कहा, 90% कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, 10-15 लाख रुपए पहले देना पड़ता है, फिर इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना भी देख सकते हैं। कोई बीमार होता है, अस्पताल में जाते हैं, हजारों रुपए लगते हैं एक्सरे के लिए, एमआरआई के लिए, ऑपरेशन की जरूरत होती है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं 10-15 लाख रुपए हॉस्पिटल में। टाटा नैनो फैक्ट्री का मैंने उदाहरण दिया है, 33,000 करोड़ रुपए एक फैक्ट्री को और नैनो की गाड़ी कहीं नहीं दिखाई देती। जमीन, बिजली, पानी, सब का सब इनको और जो गुजरात की जनता है उनको कुछ नहीं। बीजेपी ने शुरुआत नर्मदा से की, फिर ओबीसी मुद्दे पे गए, उसके बाद विकास की यात्रा की बात हुई, बट बेसिकली बीजेपी अपनी पोजीशन इस चुनाव में मेंटेन नहीं कर पाई। रियलिटी और इसका शायद सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि प्रधानमंत्री जी अपनी आखिरी मीटिंग में या तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर अपनी बात कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का बात करते थे, हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात होती थी। जय शाह जी का मामला आया, राफेल डील सामने आई, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अस्पतालों के बारे में, कॉलेजेस के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, किसानों के बारे में, किसानों को क्या दाम मिलता है उसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। और ये मूड सिर्फ प्रधानमंत्री जी में नहीं है, ये मूड रूपानी जी में है, ये पूरी बीजेपी में है। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पहला राउंड हो गया है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीत रही है। आपके अब सवाल हो आप खुल के पूछिए। कैन यू रेज हैंड्स, आई विल नॉट बी एबल टू रन दिस पीसी अदरवाइज, अवे फ्रॉम टाइम। क्या क्या हो रहा है? हमारी ये यात्रा निकली है और जिस भी मंजिल में मैं गया हूं मैंने गुजरात की जनता के सुनहरा भविष्य मांगा है।